बिहार के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 4 लाख से ज़्यादा छात्रों की स्कॉलरशिप का रास्ता अब साफ हो गया है। पिछले 3 सालों से छात्रवृत्ति से वंचित रहे करीब 4 लाख छात्रों को अब राहत मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राज्य में SC ST छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन के लिए 1 वर्ष की छूट दी गई है। अब 2019 से 2022 तक 3 वित्तीय वर्षों के दौरान छात्रों का कोई भी एक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र मान्य होगा और इसी आधार पर उन्हें छात्रवृत्ति मिल जाएगी। इससे पहले छात्रों को उसी वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र देना होगा जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के वे पात्र होते हैं। 38 जिले में 4 लाख छात्रों को लगभग 478 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि पोर्टल में तकनीकी दिक्कत और कोरोना संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन से होने वाले परेशानी को देखते हुए छात्रवृत्ति आवेदन के लिए शिथिलता दी जाएगी। आपको बता दें कि छात्रवृत्ति के लिए उसी वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र मान्य होता है जिस वर्ष के लिए छात्र की ओर से आवेदन किया जाता है। दूसरे वर्ष में नए प्रमाण पत्र देना होता है, लेकिन अब कुछ बदलाव भी हुए हैं। जिनके पास आय प्रमाण पत्र 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में से किसी भी एक वर्ष का है और उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है तो वे आवेदन कर सकते हैं। 2018-19 में भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते थे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे थे। लॉकडाउन से छात्रों का आय प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहा था। इसको देखते हुए 2021 में शिक्षा विभाग ने नया पोर्टल विकसित किया। इसमें 3 साल गुजर गए, इसी बैकलॉग को क्लियर करने की छूट दी गई है। आपको बता दें कि 2019 से लेकर 2022 तक 4 लाख छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए हैं। लगभग 3,60,000 छात्र SC के और 41,000 छात्र ST कम्युनिटी के हैं। वहीं आपको बता दें कि अब छात्रवृत्ति का जो मामला है वो काफ़ी क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तकनीकी गड़बड़ी और आय प्रमाण पत्र के चक्कर में 3 वर्षों में 1,87,000 आवेदन खारिज हो गए थे, लेकिन अब 4 लाख छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। 38 जिलों के छात्रों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि बिहार के जितने भी ज़िले हैं वहाँ के छात्रों को ये छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाएगी। 4 लाख छात्रों को 478 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के रूप में मिलने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी और बड़ी राहत है। लाइव सिटीज़ की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।